गुना जिले के वार्ड क्रमांक 34 की महिलाएं आज फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त न होने पर पार्षद के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की गई। पार्षद सचिन धुरिया ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, बताया कि सचिन धुरिया वार्ड क्रमांक 34 पार्षद मेरे वार्ड में रहवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। रहवासियों द्वारा विगत 4 से 5 सालों से बहुत परेशान हो रहे हैं। रहवासियों के कच्चे मकान हैं जो कि बरसात के दिनों में मकानों में पानी भर जाता है, वह कुछ मकान पूर्व में भी हुई अत्यधिक बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे रहवासियों के रहने की व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है। आपकी ओर से भी रहवासियों ने 1 माह पूर्व आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने की सूचना दी गई थी, जिससे कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। क्या समस्या लेके आई हो, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आगे कागज वेरिफिकेशन 40 साल हो गए हम कभी कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं होती है। कहाँ से आए आप लोग? माधापुरा से। क्या हमारे पक्के मकान वालों को मिल नहीं जा रही है? 25 वर्षीय वालों को मिल नहीं जा रही है? ऐसा क्यों है? उनकी मंजिल वालों को मिल नहीं जा रही है? कहाँ से आई हो, क्या मांग है आज आपकी? हमारी मांग यही है, हम 5 साल से फार्म जमा कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी 2 महीना पहले भी कागज जमा किए, बीवी ना इमाम कह रहा है हो रहा है आ रहा है तो कागज जमा ले लेते हैं और बहुत साल से आवेदन दे रहे हैं हम। हमारा कहना यही है, अगर हमारे लाभ हमें नहीं मिला ना तो हमारी इच्छा है वोट नहीं देंगे, कहीं नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों पे हमारी सुनवाई हुई नहीं रही तो मतलब भाई कौन सा हमारा वोट डाल लिए? हमसे जब कहते हैं कि अनुसूची में नाम नहीं है, अनुसूची में नाम हमारी मांग के लाने नहीं है, और चुनाव याद है सब नाम आ जा रहे हैं, हमारी चादरें चढ़ रही है, हम हाथ जोड़ जोड़ के अर्जी लगा रहे हैं कि भैया हमारी कुटी दो, तो भी अधिकार नहीं सुन रहा है। नगर पालिका जा रहा है तो भी अधिकार गेट लगा रहा है, तहसील आ रहा है तो विभिन्न में से नहीं निकल रहा है, और हम भी तो मोड़ा मोड़ी छोड़ छोड़ के इतनी मजदूरी छोड़ के चुनाव यानी में वोट डालने आते हैं, पर हमारी क्यों नहीं सुन रहा है जी, बताइए आप। जी आपका नाम? सचिन धुरिया, पार्षद वार्ड क्रमांक 34। बेटा क्या समस्या ले गए आज? हम ये सारी मेरे वार्ड की महिलाएं हैं, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए कलेक्ट्रेट आए हैं, इनको लाभ नहीं मिला है। अभी तक 4-5 साल हो गए, इनको अभी तक कोई भी लाभ नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। आज वार्ड क्रमांक 34 की महिलाएं जो नई जन सुनवाई में आई हैं, और इनका ये कहना है अगर कहीं इनको आचार संहिता के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर लाभ नहीं मिलता है तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे।